वेलकम बैक गाइस, आपका देव इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस, हाउ टू राइट अ नोटिस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने पहले टाइप करके रखा है। ये हमारा नोटिस है, फॉर्मेट है। पहले तीन तरह के होते हैं हमारे नोटिस में। पहला, फंक्शन के लिए इवेंट हो रहा कोई, या प्रोग्राम मीटिंग हो रही है, ठीक है। माने कि अगर आपके कोई नोटिस आ गया फंक्शन के ऊपर लिखने के लिए, या इवेंट के ऊपर, या कोई प्रोग्राम हो रहा या मीटिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे उसका नेम इवेंट का, या इवेंट, फंक्शन, या मीटिंग, जो भी है आप उसका पहले नाम लिखेंगे। फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे उसकी डेट। जैसे कि डेट में आपकी आएगी, आज 4 तारीख है, तो हम नाम लिखेंगे 4 दिसंबर 2020। आप ऐसे डेट लिखेंगे अगली लाइन में, और साथ में ही आगे लिख देंगे टाइम, 4 बजे 4 o'clock, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था 4 o'clock, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसके आगे। फिर अगले में आता हमारा वेन्यू फंक्शन का, कि कौन से घर में है, कौन से सिनेमा घर में है, या फिर फार्म हाउस में है, ऐसे ही। जैसे कि आपका वेन्यू हो गया कि कोई ऑडिटोरियम में है या स्टेडियम में है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं वेन्यू में। अब आता है हमारा टारगेट ऑडियंस या इनवाइट्स। ये जो मैंने अभी बताया टारगेट ऑडियंस एंड इनवाइट्स, इसका मतलब है कि आप किस किस को इनवाइट्स करना चाहते हैं, या कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, फंक्शन है, या कोई भी मीटिंग है, तो कुछ भी आपका इसमें इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, इवेंट या फंक्शन में से, आप उसमें कोई सी 9th क्लास का हो रहा होगा, 10th का है, या 12th का, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द पीपल्स ऑफ क्लास 9th एंड 12th हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट और फंक्शन या प्रोग्राम मीटिंग, दे आर इंटरेस्टेड, सो प्लीज़ गिव योर नेम्स टू मिस्टर दिस और मिस्टर देव। आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं टारगेट ऑडियंस में, या आप इनवाइट्स कर रहे हैं किसी को, आपने इन आपका एक इवेंट हो रहा है, या मान लो आपके फंक्शन में हो, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो कि 10th और 12th के बच्चे, या कोई सी भी क्लास के जो जो इस इवेंट या फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर इच्छुक हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अपने नाम्स हमें दे दें, या इस आप नेम लिख सकते हैं मिस्टर इनको दे सकते हैं, ऐसे। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एंट्रेंस, कि कैसे एंट्रेंस होगी। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एंट्रेंस में आप इसमें वो दे सकते हैं कि आपने टारगेट ऑडियंस में बताया है कि जो भी इच्छुक हैं इस इवेंट या पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपने नाम दे दें। उसके बाद आप इसमें जो इंट्रोडक्शन है, आप इसमें लिखेंगे कि ये इतने से इतने बजे तक है, टाइमिंग लिखेंगे इसमें कि इसमें कौन कौन आने वाला है, फिर आप कोई उसका बता देंगे सेलिब्रिटी आ रहा है, या कैसे कैसे इसमें हैंडल होएगी, वो आप बीच में उसमें लिखेंगे, बॉडी जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन में, आप इसे बॉडी भी कहते हैं हम, ठीक है। आप उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक नोटिस का फॉर्मेट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको आगे की जानकारी और बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, मैं लिख के बताऊंगा। उसके बाद आता है एंड में हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन, कि आप किस किस को फर्दर डिटेल्स, यू आर कॉन्टैक्ट टू मिस्टर दिस और मिस्टर हर, आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हम लिखते हैं कि फॉर द फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर देव और मिस्टर वंश, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम इसमें। अब आता है हमारा दूसरे टूर्स के ऊपर, कोई आता है नोटिस लिखने को, या ट्रिक्स के ऊपर टूर, और आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड जो है ट्रिक्स, ये है क्या, टूर तो हमने सुन रखा, ट्रिक्स का मतलब पता नहीं। तो माय डियर गाइस, ये एक ही वर्ड है, टूर और ट्रिक्स,
लाइन बिठाने के लिए इन्होंने टूर्स का ट्रिक डाल दिया साथ में, ये वरना एक ही वर्ड है टूर्स। अगर कोई टूर्स के ऊपर आ जाता है कि कोई नोटिस लिखो टूर्स के ऊपर, राइट द नोटिस ऑन टूर्स, द स्कूल विल ऑर्गेनाइज अ टूर टू दिस प्लेस एंड गोइंग दिस, ऐसे आता है नोटिस, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले प्लेस ऑफ द टूर कैंप, मैंने कि कहाँ पे टूर जा रहा है उसका नाम लिखो, उस प्लेस का नाम। फिर आता है डेट, टाइमिंग और कितने दिन के लिए जा रहा है, नंबर ऑफ डेज, कि कौन सी तारीख को जा रहा है, कितने बजे जाएगा या कितने दिन के लिए जा रहा है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, कॉस्ट पर हेड, मतलब कि जो टूर जा रहा है उसकी प्राइस कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो हमें इनिशियल जानकारी हमें इसमें देनी होती है, इनिशियल जानकारी, तो इसमें कॉस्ट आ जाएगी इसकी। फिर अगली लाइन में आएगा इनिशियल थिंग्स टू बी कैरिड, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस टूर के वक्त आपको अपने ले जानी है, जैसे खाना आप लेके जाओगे, टिकट्स, या कितने मनी लेके जा सकते हो, कैमरा, मोबाइल आपको अलाउड नहीं है या है, आप इस उसमें जानकारी दे सकते हो उस लाइन में। फिर एंड में आप ख़त्म करोगे तो आप इसमें आ जाएगा कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर फर्दर डिटेल्स, कि इस टॉपिक के बारे में या इस नोटिस के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस पर्सन ऑफ द हेड ऑफ, या आप लिख सकते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ द स्कूल, हेड बॉय ऑफ द स्कूल। इसमें आपको मैंने अब दो के बता दिए, अब लास्ट में आता हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें ज़्यादातर टेस्ट या पेपर में दो नोटिस आते हैं, दो, या फिर आएगा आपका फंक्शन या इवेंट के, उसमें टूर पे भी आ सकता है, इन दोनों में आता है, या फिर अकेला एक आता है लॉस्ट एंड फाउंड पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड, ज़्यादातर इस पर आता है क्योंकि हमने फेस करे हैं। तो सबसे पहले लॉस्ट एंड फाउंड पे सबसे पहले हमारा आएगा आर्टिकल लॉस्ट फाउंड, माने कि क्या हमारा लॉस्ट फाउंड हो चुका है, लॉस्ट एंड फाउंड पे क्या हमारा एक पेन है या क्या है हमारा आर्टिकल पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा आता हमारा प्लेस, डेट, टाइमिंग ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंडिंग, माने कि कौन सी जगह हमारा खो गया था और डेट क्या, कौन सी तारीख को खोया था, कितने बजे खोया था, अंदाजे से आप इसमें बताएंगे। फिर आप उसकी डिटेल्स बताएंगे रिगार्डिंग टू शेप, कैसी शेप थी उसकी, कितना बड़ा था साइज़ में या कौन से कलर का था, आप इसमें ये जानकारी इसमें देती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर डिटेल्स, कि हम कौन, अगर हमें मिल जाए तो हम कौन से पर्सन को कॉन्टेक्ट के लिए डिटेल कर सकते हैं, माने कि हम कौन से जने को हम उनसे पूछ लें कि हमें ये मिल चुका है या हम इनको जानकारी दे सकें। फिर आएगा वैन टू कॉन्टैक्ट, कि हम कब कॉन्टैक्ट करें और फिर उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा हमें, ये सब होता है इन नोटिस में। चलिए तो अब देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं नोटिस। ये देखिए एक मैंने फॉर्मेट लिखा है नोटिस का, ये जो मैंने फॉर्मेट लिया है ये टूर के ऊपर भी चलेगा, इवेंट के ऊपर भी, और फंक्शन जो मैं हमारा पहला पॉइंट है, ये जो हमारा पहला पॉइंट है फंक्शन इवेंट और प्रोग्राम मीटिंग, ये इसके ऊपर मैंने एक पहला फॉर्मेट लिया है, आप देखिए। तो देखिए इसमें जो फॉर्मेट है पहला है, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इनफॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट, माने कि हमें इसमें पूछा गया है कि जो आपका स्कूल है एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कर रहा है, माने कि डिबेट क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेट, इसका मतलब होता है कि वार ऑफ वर्ड्स, माने कि एक स्पीच कंपटीशन, इसमें आपको एक स्पीच देनी होगी, आधे बच्चे तो स्पीच का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डिबेट कंपटीशन है माने कि स्पीच देनी होगी, तो उसमें आप एक नोटिस लिखो और अपने स्कूल को बताओ नोटिस लिखकर, और या इनको इन्फॉर्म करो कि इस इवेंट के बारे में, उनको इन्फॉर्म करेंगे हम अपने स्कूल को इस इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नाम आता है पहले,
सबसे पहले नेम ऑफ द इवेंट तुम्हारा आ गया। इवेंट का नाम इन्होंने ढूंढ के निकाला है, वार ऑफ वर्ड्स, बहुत तगड़ा नाम है इन्होंने। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन या डिबेट, आप इसमें लिख सकते हैं कि डिबेट प्रोग्राम, क्योंकि जो नए नए बच्चे होते हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम इसका नाम क्या लिखें। डिबेट में ज़्यादातर ये आता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है स्पीच, स्पीच आपको स्पीच देनी होती है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है और ये भाषण दे रहा है और यहाँ सारे सुन रहे हैं, ये होता है स्पीच। तो पहला इन्होंने लिख रखा बुक में वार ऑफ वर्ड्स की जगह आप लिख सकते हैं डिबेट प्रोग्राम, ये आसान है। अब अगला आता है हमारा डेट टाइम, जैसे कि मैंने बताया था अगला आएगा डेट टाइम। सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये आप ये छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही है। सबसे आप मैंने बताया इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये नीचे लाइन आई इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो आप भी लिखेंगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसमें देखो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन पूरा ऐसे टेस्ट उतार देंगे। उसके बाद हमने बताया था डेट और टाइम आएगा, तो आपके आगे डेट ऑन 8 दिसंबर 2017 ले लो, ये बुक में लिखी हुई है, तो आप हम लिख लेंगे 10 दिसंबर 2020 कोमा लगा के, ठीक है। तो डेट हमने लिख दी, उसके बाद हमारा आ जाएगा टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक है, इसमें लिख रखा है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप इसमें कोई सा भी टाइम लिख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बस पढ़ रहा हूँ, आप इसमें कोई सा भी अपनी मर्जी से टाइम लिख सकते हैं। आपका कोई फंक्शन है आप फंक्शन का टाइम लिख सकते हैं 7 बजे 7 PM टू जब तक चलेगा 11 PM कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये इसमें आपकी मर्जी होती है, ये नहीं कि नौ लिखो अपनी मर्जी से। उसके बाद आता है हमारा वेन्यू ऑफ द फंक्शन कि कहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ है एट सिटनरी हॉल या स्टेन हिल्डा स्कूल, आप इसमें लिख सकते हैं एट अपनी मर्जी से कोई सा भी फार्म हाउस लिख देंगे, ऑन गांधी मैदान, गांधी स्टेडियम, गांधी हॉल लिख सकते हैं आप, या स्टेडियम गांधी स्टेडियम या ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम या आप कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब इसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एंट्रेंस कि हमारी कैसे एंट्रेंस होती है। मैंने आपको बताया था इस ऑल द पीपल्स फ्रॉम क्लास या जो इनवाइट हम कर रहे हैं जिनको कि ऑल द पीपल्स ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 कुछ भी आप लिख सकते हैं कौन सी क्लास, हु विश टू पार्टिसिपेट जो इच्छुक हैं, विश हैं उनकी विश है कि मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं, तो वो अपने नाम हमें दे सकते हैं, प्लीज़ गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकते हैं इस सर को या इस मैम को बिफोर इस डेट से पहले या इतने बजे, ये ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन, ये फॉर्मेट है इसमें दे रखा, आपका फॉर्मेट पर्सन आ जाएगा जो हमने लिख दिया एंड में, तो आप इसमें लिखेंगे फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर दिस, मिस्टर देव या मिस्टर कुछ। यहाँ एक बार और बताना चाहूँगा आपको, ये मैं जो देव बोल रहा हूँ बार बार, ये नहीं कि आप सिर्फ देव लिखना, इसमें आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ अपना नाम देकर। हमारे चैनल का नाम देव इंस्टीट्यूट है तो मैं इसलिए ज़्यादातर हर एग्जांपल में देव देव ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसमें, या सेक्रेटरी ऑफ द क्लब लिख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ दिस, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगला आता है हमारा, अगर जिसको ये इस टॉपिक पे एक और मैं समझा देता हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा इसमें ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए हमारा एक और टॉपिक हमने लिया है, अवर स्कूल या
आपका स्कूल कंडक्ट कर रहा है एक इंटर क्लास टैलेंट सर्च, उसमें एक नोटिस लिखो आप और अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाओ या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करो कि इस इवेंट के बारे में, और इनवाइट करो उनको कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। सुन लिया आपने, अब मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। तो इसमें अब योर स्कूल इज़ कंडक्टिंग एन इंटर क्लास टैलेंट सर्च, आपका स्कूल कंडक्ट कर रहा है एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम या टैलेंट सर्च इवेंट। इंटर क्लास माने कि 10th क्लास हो गई या 12th क्लास हो गई। मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जो इंटर क्लास का वर्ड होता है ये हमारा ज़्यादातर 10th to 12th होता है, या 11th भी लिख सकते हैं आप, 10th से ऊपर माने कि 10th 11th 12th। राइट आउट अ नोटिस, एक नोटिस लिखो और पुट करो अपने ब्लोटिंग बोर्ड पर, और बच्चों को इन्फॉर्म करो या स्कूल को इन्फॉर्म करो इस इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया था नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट क्या है, इंटर क्लास टैलेंट सर्च, इंटर क्लास टैलेंट सर्च, ठीक है। उसके बाद हमारी डेट आती है हमेशा, डेट और टाइम। तो हमारा इसमें आ गया डेट हमारी ट्यूसडे 24 जुलाई 2018। हम इसमें डेट लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, 4 अप्रैल 2020, ठीक है। तो अगली इसमें आ गया हमारा टाइम, टाइम में आप अगली लाइन में भी लिख सकते हैं या इसके साथ आगे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इस पर आपके नंबर नहीं कटते, ठीक है। तो इन्होंने अगली लाइन में लिख रखा है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं टाइम कुछ भी लिख लो, 9 से 4 बजे तक का ये इवेंट है, या आपका ये 10 AM to 12 बजे तक का है, या 2 बजे तक का है, 2 PM। पर ज़्यादातर जो स्कूल के इंटर स्कूल टैलेंट सर्च माने कि जो स्कूल के प्रोग्राम होते हैं ना, वो ज़्यादातर दिन में होते हैं। तो आप अच्छा हो तो आप दिन का टाइम लिखेंगे स्कूल में, ये आपको मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा वेन्यू आता है अगला, वेन्यू आपने लिख दिया ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम ऑफ दिस स्कूल, माने कि जो आपके इवेंट होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर हमारे ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया, या फिर आप कोई सा भी हॉल लिख सकते हैं, हॉल में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, या हम जिनको इनवाइट कर सकते हैं। तो हमने लिखा है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, माने कि कोई से भी बच्चे जो इंटरेस्टेड हों पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, या कौन सी क्लासेस के 8th, 9th या 10th या कुछ भी, वो अपने नाम लिखवा दें इस इवेंट के लिए, या वो कांटेक्ट कर सकते हैं इनके लिए इस डेट से पहले, या नाम लिखवा दें इन डेट के लिए इस डेट से पहले, ठीक है। और उसके एंड में हमारा आता है कांटेक्ट पर्सन की फॉर फर्दर डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स एल्स प्लीज़ कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, मतलब या फिर कोई नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको एक और बार हमारे ये फॉर्मेट बताना चाहूँगा, जो लिख सकते हैं या किसी को स्नैप खींचनी है वो स्नैप खींच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश्ड होती है, फिनिश्ड। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू गाइस। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे, ठीक है। आप इजाज़त दीजिए हमें फिनिश करने के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।